मैडम सर ये क्या पहना दिए हमको, ये इतना खुला खुला और इतना एकदम टाइट, अनकंफर्टेबल हो रहा है, फंस गए हम इसमें। क्या बे? सॉरी 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 करिश्मा मैडम, नहीं आप पार्टी के लिए जा रहे, किसी को कूटने नहीं जा रहे। नहीं मतलब आपने इतना अच्छा गाउन पहना है तो उस तरह से नजाकत दिखाइए ना, इस गाउन में कैसा वॉक होना चाहिए ये ऐसा। ये बिल्लू बिल्लू बिल्लू, उसमें एक अदा होनी चाहिए, एक नजाकत होनी चाहिए, एक नखरा होना चाहिए, समझे? जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया। बिल्लू जो चल कर दिखाया हो ये वाला सदमा तो हम कैसे भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये वाला गाउन में तुमको इमेजिन करके ना मतलब हमारे शरीर में झुरमुरी पैदा हो जा रहा है। बाबू क्या कर रहे हो? मैडम सर हो जाएगा। गुड, अब आगे, अब आगे, अब पार्टी। पार्टी? मैं अभी आया। पार्टी मैडम सर? आइए। ये दोनों? हाँ जी, और ये पार्टी हमें रखे हैं। सोशल मीडिया के लिए रखी गई सबसे बेस्टेस्ट पार्टी, यू सी। चले रुको 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 रुको, मैं भी आया। अब चले। जी मैडम सर, चलिए चलिए। करिश्मा सर। जी मैडम, हमने साइबर डिपार्टमेंट से बात करके हम दोनों के फेक अकाउंट्स बनवा लिए हैं जिनकी लाखों से भी ज्यादा फॉलोइंग हो चुकी है। हमें यकीन है कि हमने जो जाल बिछाया उसमें वो जरूर फंसेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू आवर ग्रेट ग्रैंड पार्टी एंड थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशन। अरे सुनिए सुनिए, हमको अटेंशन दीजिए। आज हम जो ये पार्टी रखे हैं ना, हम इसलिए दिया है क्योंकि हमारा फॉलोवर बढ़ गया है। हमारा मतलब हम दोनों का? हम दोनों का। थैंक यू थैंक यू। और आज अपनी खुशी में शरीक करने के लिए हमने चंडीगढ़ से टॉप मोस्ट की सेलिब्रिटीज को, जिनका सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया है। अरे चंडीगढ़ की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जैसी और सैसी। पार्टी करो पार्टी, एंजॉय द पार्टी। बड़ी मछलियां लगती हैं, अब आएगा मजा। हाथ ललचा रहे हैं चोरी के लिए। बिल्लू कंट्रोल कंट्रोल, कंट्रोल कैसे कंट्रोल, इतनी देर से चोरी नहीं की है, हाथों में खुजली आ रही है, कंट्रोल बिल्कुल कैसे कंट्रोल करे, प्रैक्टिस भी तो चाहिए, तुम चोर हो चोरी करो। हाथ को काबू में रखो, चोर को पकड़ने आया चोरी करने नहीं आया, ज्यादा हाथ चला तो हवाई जहाज बन के उड़ा देंगे तुमको। नहीं, वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहा था चोरी को। कर ली, मन भर गया, दोबारा हुआ तो उड़ा देंगे यहाँ से तुमको।
और संतु क्या चल रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है पुष्पा जी, देखो हमारी बहू रानी को भी ना अभी सस्पेंड करना था। कितना मिस कर रहे हैं हम ऐसे अंडरकवर होकर किसी मिशन पे जाना, अंदर से तो एकदम मरे जा रहे हैं हम, क्या बताएं तुमको। हाँ पुष्पा जी मैं समझ सकती हूँ आप ये सब कितना मिस कर रहे हो। और नहीं तो क्या, नौकरी के चक्कर में कहाँ हो पाती है पार्टी वार्टी, इस मिशन के बहाने से ही थोड़ा तैयार हो लेते, सज धज लेते। चलो ठीक है पुष्पा जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? नहीं 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 सुनो ना, अब हम क्या कहते हैं थोड़ा सा पनीर और बिरयानी पैक करवा के बहू रानी के हाथों भिजवा देना। हाँ 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 ठीक है ठीक। इस पर भी बहू रानी का असर हो रहा है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है। क्या है, कितनी ड्रिंक पिलाएगा तू मुझे, पागल हो गया है क्या, कब से यहीं पे मंडराया जा रहा है, बाकी सबको भी ड्रिंक सर्व करना वरना शक नहीं हो जाएगा। मैडम सर चोराएगा कब? पेशेंस करिश्मा सिंह, पेशेंस, वो चोर आएगा और यहीं आएगा, आप थोड़ा पार्टी एंजॉय कीजिए तब तक। ऐसा कुछ था जिसने हमारे सबके होश खराब कर दिए, फिर से हमारी आंखों के सामने से हमें बेवकूफ बनाकर चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। और कमाल का बात यह कि हमको शक भी नहीं हो और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इतना मुश्किल से 24 घंटा का समय मिला था हमें इस चोर को पकड़ने के लिए, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। आपका हो गया तो हम कुछ बोले? हमारी नाक के नीचे से कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है बाकायदा हमारी आंखों के सामने हुआ है। आप सब लगभग 3 मिनट के लिए बेहोश थे लेकिन हम नहीं, इसलिए यहां पर जो कुछ भी हुआ हमने देखा। हम शुरुआत से ही हर नए चेहरे पर नजर रखे हुए थे। एक वेटर था जो पहले नहीं था फिर बाद में आया। जब हमने देखा कि वो वेटर ड्रिंक्स के जार में कुछ मिला रहा है तब हमारा शक और भी पक्का हो गया। तभी हमने संतोष से कहा कि वो दोनों जार लो डोज वाली दवाई से बदल दे, जिसकी वजह से आप सब लोग 3-4 मिनट के लिए सो जाएंगे और चोर को चोरी करने का मौका मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मैडम सर, मतलब चोर आपकी आंखों के सामने था, आपकी आंखों के सामने से उसने चोरी किया लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहा, आप यूं ही खड़ी देखती रही। आपको पता भी है मैडम सर कि यही एक मौका था जिसमें हम उस चोर को पकड़ सकते थे और आपकी वर्दी में जो दाग लगा उसको धो सकते थे, लेकिन आपने उसको ऐसे ही जाने दे दिया। क्योंकि हम चाहते थे कि वो चोरी करे। जी हाँ, हमारा झूठ मूठ का बेहोश होना, उसका चोरी करके यहाँ से चले जाना, वो सब हमारे प्लान का हिस्सा था। और जहां तक बात है उसे पकड़ने की, आप भूल जाती हैं कि आप बात किससे कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि हमने उसे ऐसे ही इतनी आसानी से बस जाने दिया, उसे पकड़ने के लिए कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं किया? ये देखिए, साइबर डिपार्टमेंट से लिया हुआ जीपीएस ट्रैकर हमने हमारी ज्वेलरी में लगा दिया था, जिस कारण अब हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जब चाहे उसे पकड़ सकते हैं। पर मैडम सर जब चोर सामने ही था तो? सिर्फ इस चोर को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है संतोष शर्मा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 18-19 साल का बच्चा मास्टरमाइंड है, कोई और है जो इसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जिसके इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो कर रहा है। शायद
वो आदमी जिसे जाकर ये अपना माल बेचता हो या फिर कोई और, हमें उस आदमी तक पहुंचना है। इस बच्चे को पकड़ के कुछ नहीं होगा। चोरी चोरी ही होती है मैडम सर। अगर मैडम सर वो चोर किसी और चोर के लिए काम भी कर रहा है, फिर भी कानून की नजरों में तो बराबर का मुजरिम ही हुआ ना वो। अभी दो डंडे पड़ते ना हवालात में, उसको रखते ना 4 घंटे के लिए, तो अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाती और कानून का इज्जत करना सीख जाता और दूसरों को भी इज्जत करना सिखा देता। अगर हम उसको पकड़ लेते मैडम सर, तो वो उगल देता ना कि कौन है वो बड़ा चोर जो उसको उकसाता है ये चोरियां करने के लिए। करिश्मा सिंह, आपके टॉर्चर करने के लिए वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। वो महज 18-19 साल का एक लड़का है जिसे अपनी गलतियां सुधारकर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, और जिसमें हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है, कीजिए आप मदद अपने तरीका से, लेकिन अब हम ये केस अपने तरीका से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बहुत शर्मिंदगी की सहली है इस केस में। हम चीता चतुर्वेदी, क्या खबर? मैडम सर, इना पूरा का पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। हमको लग रहा है वो साइबर चोर ना यहीं पे कहीं पे रहता होगा। अच्छा, कोई मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट हो गई। क्या कहाँ? किसी के साथ है या अकेला है? मैडम सर, वो लड़का अपने घर से ना एक बड़ा सा बैग लेकर ना बाहर निकला है और बाइक पे बैठा हुआ है। मतलब वो ज्वेलरी बेचने जा रहा है? मैडम सर, वो बाइक शुरू कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। संतोष शर्मा, जल्दी उसका लोकेशन ट्रैक करिए। मैडम सर, चारबाग स्टेशन की तरफ जा रहा है ये। ओके मैडम सर, जब इतना ही श्योर है तो उसको आप पकड़ क्यों नहीं लेती, जेल में क्यों नहीं डाल देती, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सही समय नहीं है करिश्मा सिंह, हमें सिचुएशन को समझकर फिर एक्शन लेना होगा। कब? जब वो पूरा ज्वेलरी बेचकर यहाँ से चला जाएगा। मैडम सर, हमें नहीं पता आपका राइट टाइम कब आएगा, लेकिन हमें यहाँ 3 घंटा दिखा रहा है जो टाइम हमें मिला था, और हम वो टाइम यहाँ बैठ के बर्बाद नहीं कर सकते। आपके चक्कर में बैठे रहे तो ये चोर फिर हाथ से निकल जाएगा। करिश्मा सिंह, हमें बैकअप के लिए रुकना हो। मैडम सर, ऐसे टोपा के लिए हम अकेले काफी है। तुम्हारा अध्याय हुआ समाप्त, अब देखते क्या कहते हैं डीएसपी सर। एक मिनट मैम, प्लीज एक बार मेरी बात। एक मिनट, यहाँ देखो, ये मैडम सर के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये चोर हमारे कब्जे में, और थाने पे जो दाग लगा है वो धुल गया है। चल हमारे साथ। मैडम प्लीज, एक मिनट मैडम प्लीज, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए मैडम, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए मैडम। देखो, ज्यादा टोपा गिरी नहीं हमारे साथ, वरना हम ना। पूरी साथ लाया था ओके बस। ये सब झूठ है, मैं किसी को साथ नहीं लाया। गाड़ी चलाओ। मेरा नाम संजू है मैम, वो साइबर चोर मैं ही हूँ जिसकी आप लोगों को तलाश थी। सारी चोरियां मैंने की हैं। मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे, और ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, अपनी दादी के लिए किया। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो मैं मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमा पा रहा था। फिर एक दिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर इनकी बताई हुई जगह पर मैं चोरियां करूंगा और वो कीमती सामान ले जाके इनको दूंगा,
तो ये उसका 20% कमीशन मुझे देंगे, जिससे मैं अपनी दादी का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा। बस यही था मैम। मैम प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी दादी के साथ रहना है। ये सब चोरी करने से पहले क्यों नहीं सोचा? ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है, एक बार वो लोग यहाँ आ जाए फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तब तक वहां जाओ, वहां जाकर बैठो। अरे ओ बहन जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया कि हमने आप पे शक किया। वेरी वेरी सॉरी। गुड। हाँ इट्स ओके। एक्चुअली सॉरी तो मुझे भी आपसे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो आप पे डाउट किया था ना। हाँ तो बोलिए। सॉरी। वैसे मैडम जी, आज से हम दोनों का ना ये ऑनलाइन का बेवकूफिया सब बंद। हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अपनी लोकेशन और अपना पर्सनल एक्सपेंसिव स्टफ ऑनलाइन मीडिया पे डालना कितना डेंजरस हो सकता है। माय गॉड। और नहीं तो क्या मैडम जी, ये सब हरकतें करके हम कितने सीरियस और भयंकर क्राइम को बढ़ावा दे रहे थे, अपनी निजी और घरेलू जानकारियां सोशल मीडिया पे डाल के। हम जान गए हैं आपका हर फॉलोवर फैन नहीं होता, चोरिया गुंडा भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली। हाँ और अगर आप दोनों को एक दूसरे को जलाना ही है तो मिलकर जलाओ ना, आप तो पड़ोसी हो, सोशल मीडिया पर क्यों डालना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड आइडिया। हमें खुशी है कि ये बात आप दोनों को समझ में तो आई। अरे मैडम समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वैसे मैडम जी, आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि ये चाय कौन पिएगा? टोपा हो कबे तुम? किए थे ना प्रॉब्लम सॉल्व, दिए थे ना पुष्पा जी को चाय लास्ट टाइम, तुम काहे घुसन खाने वाले काम करते हो बे? नहीं नहीं नहीं, पुष्पा जी तो ये शर्त दो एसएचओ के बीच में लगी थी, जो केस सॉल्व करेगा वो चाय पिएगा। तो बताओ ये केस किसने सॉल्व किया और ये चाय कौन पिएगा? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या हुआ? क्या हुआ मैडम सर? आप ये ट्रेडमिल कर रही हैं आप? बाहर मौसम बहुत अच्छा है, आप बाहर जाके जॉगिंग कीजिए। आपको ट्रेडमिल यूज करना है? नहीं नहीं, हमको ट्रेडमिल, हम तो हमारा तो जो होगा वो योगा से ही होगा। आप क्या हुआ, क्या कहने आई हैं? कहने हम? नहीं नहीं मैडम सर, हम कुछ कहने नहीं आए हैं। अच्छा तो फिर करिए योगा, योगा से ही होगा ना, करिए अपना शीर्षासन, हम भी सीख लेते। वो हम घर पे सुबह कर आते हैं। तो फिर फाइनली बता ही दीजिए कि आप क्या कहने आई हैं, क्योंकि चीजें छुपाने में तो आप एकदम सही पकड़ लेती है मैडम सर आप हमें। वो हम कह रहे थे कि आज के दिन आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी क्यों? घर जाइए आप, अपने लिए लड़का वड़का देख लीजिए ना आज घर पे। अभी तो कोई लड़का है भी नहीं देखने के लिए। अच्छा तो अम्मी, अम्मी के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए मैडम सर आप। नहीं तो आप मॉल में जा सकती शॉपिंग करने के लिए, सेल लगा है। और नहीं तो आप अंदर का गालिब जगाइए मैडम सर आप, शेरो शायरिया कीजिए आप। देखिए करिश्मा सिंह, अब गालिब का तो ऐसा है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मन होता है तभी आते हैं। नहीं हम कह रहे थे आप सेहत का ध्यान दीजिए मैडम सर, आप एक छुट्टी लेंगी ना तो आप एकदम फ्रेश हो जाएंगी। अच्छा जी, आपको हमारी सेहत की इतनी फिक्र क्यों हो रही है?
जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, वेलकम बैक। आप कहाँ से आ गई पुष्पा जी? हमने बुलाया। आपने इन्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा, बिकॉज हम आपके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक उसी तरह उम्मीद करते हैं कि जब हमने इन्हें वापस बुला लिया है तो आप हमारे ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। खैर ये सब तो होता रहेगा, आप ये बताइए कि आपको हमारी फिक्र क्यों हो रही है? फिक्र? नहीं 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 मैडम सर, इनको किसी की पड़ी नहीं है। करिश्मा मैडम आपको यहाँ से भगाना चाहती है ताकि यहाँ थाने में अपनी मनमानी चला सके। अच्छा आप हमें भगाना चाहती हैं करिश्मा सिंह? क्यों, हमसे कोई दिक्कत है? नहीं नहीं मैडम। दिक्कत? घनघोर दिक्कत। वो क्या है ना, करिश्मा मैडम SHO तो बन गई मगर आपके यहाँ होते हुए अपनी SHO-गिरी नहीं दिखा पा रही ना। वो क्या कहते, इनकी हालत तो ऐसी हो गई है अब हाथ को आया पर मुंह ना लगा। हो गया पुष्पा जी। कोई दिक्कत नहीं है मैडम सर हमें आपके यहाँ होने से। बात यह है कि हम जानते हैं हमारा ये SHO होने का फेस चल रहा है और इसमें हमें आप ही से ही सीखना है, लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि हम कैसे सीखें? जब खुद का तरीका से इंडिपेंडेंटली केस सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा काबिलियत कैसे बाहर आएगा? बात तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अफसोस हम छुट्टी लेना नहीं चाहते। लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं, अब अगला जो भी केस आएगा उसे सिर्फ और सिर्फ आप हैंडल करेंगी इंडिपेंडेंटली। नहीं 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 मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इनको अकेले छोड़ना मतलब खुले मैदान में किसी सांड को अकेले छोड़ने वाली बात हो गई। अच्छा और आपको नहीं लगता आप उसी सांड के सामने लाल कपड़ा दिखा रही हैं? मैडम सर कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम इस थाने को पूरा जिम्मेदारी के साथ चलाएंगे। ठीक है फिर तायरा, अगला केस आप ही हैंडल करेंगी और जब तक आप नहीं कहेंगी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ जब भी आपको मदद की जरूरत हो आप हिचकिचाएंगी नहीं। नहीं नहीं मैडम सर, उसका नौबत ही नहीं आएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।